हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंकित। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 18, जो कि रिलेटेड है आपके पर्यावरण से। जो बच्चे सेमेस्टर 1 और 2 में हैं, बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हैं प्रोग्राम या ऑनर्स से, एसओएल रेगुलर एनसी वेब से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इवन आप अगर इग्नू में भी हैं तो भी आप इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स की वीडियो है, जो कि न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग अपडेटेड सिलेबस से मैंने बनाई है। ठीक है ना, आपको पता ही होगा मैं कई बुक्स से पढ़कर नोट्स में तैयार करता हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स बनाता हूँ ताकि आपके अच्छे आंसर आ सकें, आप अच्छे आंसर लिख सकें, अच्छे और मार्क्स आ सकें आपके। ठीक है ना, शुरू करते हैं। ये जो वीडियो 18 है, ये वीडियो है पर्यावरण की दृष्टि से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी नेशनल और इंटरनेशनल डे जितने भी मनाए जाते हैं ना पर्यावरण से रिलेटेड, उनके बारे में। क्योंकि देखिए, पर्यावरण से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस तो आने ही हैं एग्जाम में, तो वहाँ पर अगर आप इनको कोट करते हैं, इन डेज के बारे में बताते हैं, इवन ये 1 मार्क्स में या अलग से MCQs के रूप में भी अगर आपके पास क्वेश्चन आते तो आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। 17 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, जो कि पार्ट 1 से रिलेटेड थे। सारा पूरा पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अगर उन्हें अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सॉरी चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में एनवायरमेंटल साइंस हिंदी मीडियम में, तब आप वहाँ पर जाके आपको वीडियोस मिलेंगे और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के कोर्स कराता हूँ, रिलेटेड हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस ग्लोबलाइजेशन एनवायरमेंटल साइंस हिस्ट्री, सभी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में। अभी जो है हमारे चैनल पर एनवायरमेंटल साइंस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कोर्स चल रहा है। ठीक है ना, प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस कर लें बेल को, आइकन को, और ऑल नोटिफिकेशन पे। ठीक है, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें। आप बिना लाइक करे ही वीडियो देखते हैं, ठीक है ना, फिर आप स्किप कर देते हैं, और लगभग 95% ऐसे हैं जो हमारे चैनल से जुड़े मेंबर्स जो लाइक नहीं करते हैं। ठीक है ना, प्लीज़ लाइक क्या कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि ये डेज तो नहीं लग रहे पर्यावरण से रिलेटेड, ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़े ही डेज हैं। ठीक है ना, जो दिवस हैं। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व धरोहर या विरासत दिवस 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस, ये विश्व के लिए 22 अप्रैल। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून को मनाया जाता है। देखिए, जो जून वाले हैं ना, दोनों बहुत पूछे जाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व भूगर्भ जल दिवस। ठीक है ना, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। वन महोत्सव दिवस जुलाई एवं फरवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता दिवस 18 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 27 सितंबर। हरित उपभोक्ता दिवस 28 सितंबर। विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस 3 अक्टूबर। वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 3 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता दिवस या माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर, ये पूरे एक महीने चलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को। पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर और किसान दिवस 23 दिसंबर। देखिए कुछ ये 38 डेज थे जो टोटल मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए निकाले हैं, ठीक है ना। इन्हीं में से आपके एग्जाम में आप अपने को कोट कर सकते हैं आंसर को, अपने आंसर को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, ताकि आप आराम से इसको याद कर सकें, ठीक है ना। मैं आगे कर देता हूँ, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। मैं जल्दी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।